तो नमस्ते भारत की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बड़े बयान से करते हैं। घुसपैठियों पर शाह ने बड़ी बात कही है, क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। नागरिक संशोधन बिल पर पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विवादित बयान दे दिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रैली को संबोधित करते हुए हिंदू और बौद्ध शरणार्थियों को ढूंढ ढूंढ कर नागरिकता देने का वादा किया। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं, वो शरणार्थी है, सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मोदी सरकार ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास किया था, लेकिन राज्यसभा में बिल गिर गया। और अमित शाह जो बोल रहे हैं ठीक उसके उलट, मेघालय के एक बीजेपी नेता नागरिक संशोधन बिल को लेकर खुदकुशी की धमकी दे रहे हैं। पत्रकारों के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे ये है मेघालय की शिलोंग लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सांबोर शुलाई। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने नागरिक संशोधन बिल लागू होने की हालत में खुदकुशी की धमकी दे दी। CAB will not be implemented. I will kill myself, I'll suicide before Narendra Modi, but I'll not let the CAB to be implemented. नागरिक संशोधन बिल बीजेपी के अहम एजेंडों में से एक है, लेकिन बीजेपी के नेता ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, उसके बाद इस खबर ने काफी खलबली मचाई। दिल्ली के पास नोएडा में चुनाव के दौरान नमो फूड पैकेट्स बांटने को लेकर बवाल मच गया। नमो फूड का ये कॉर्नर दिल्ली से सटे नोएडा में है। इस पर कल वोटिंग के दिन खूब बवाल हुआ। पहले चरण का मतदान हो रहा था, इसी दौरान नोएडा के सेक्टर 15A में चुनावी ड्यूटी पर लगे पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस की गाड़ी में खाना आया, लेकिन खानों के इन पैकेट पर नमो फूड लिखा हुआ था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। नोएडा के सेक्टर 15A के पोलिंग बूथ के अंदर पुलिस वालों को जो नमो फूड्स के पैकेट दिए गए, उसकी दुकान यहाँ पर है। ये है नमो फूड कॉर्नर जो नोएडा के सेक्टर 2 में स्थित है। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सामने आकर सफाई दी। सालों पुरानी शॉप है, वहाँ से लोकल थाने ने कुछ अपने फूड पैकेट्स लिए थे फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि फूड फोर्स को खाना दिया जा सके। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया है, मैं पुनः इसका खंडन करता हूँ। यूपी चुनाव आयोग ने भी केंद्रीय चुनाव आयोग को दी सफाई में साफ किया कि ये आचार संहिता का उल्लंघन का मामला नहीं है। वो जो नमो पैकेट के बारे में भी जो हम लोगों ने जानकारी किया इसको, वो कंपनी है, वो पहले 7-8 साल से चल रहा है। और पश्चिमी यूपी के सिकंदराबाद में वोटिंग के बाद बवाल हो गया। पथराव की तस्वीरें बुलंदशहर जिले के अलीपुर गांव की हैं। आरोप है कि गौतम बुद्ध नगर सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार सतबीर नागर के पोलिंग एजेंट राकेश प्रधान पर बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के पोलिंग एजेंट दीपक दुल्हरा के लोगों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि हमला कर रहे लोगों ने पत्थरबाजी के अलावा बंदूक भी ताली। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पोलिंग एजेंट राकेश की हालत गंभीर है। मामला वोटिंग के दौरान वोट डालने को लेकर हुए विवाद का है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में कुल मिलाकर 66% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौर में 20 राज्यों में 91 सीटों पर कल वोट डाले गए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर वोटिंग शांतिपूर्ण रही। उत्तर प्रदेश की 8 सीट पर 64% वोटिंग हुई। बिहार की 4 सीटों पर 50% वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल की 2 सीट पर 81% वोटिंग हुई। उत्तराखंड की सभी सीटों पर 58% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर 55%, महाराष्ट्र की 7 सीटों पर 56% वोटिंग, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर 56% मतदान, ओडिशा की 4 सीट पर 68% वोटिंग, आंध्र प्रदेश की 25 सीट पर 66%, तेलंगाना की 17 सीट पर 60% वोटिंग हुई, असम की 5 सीटों पर 68% मतदान हुआ। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण के लिए मतदान हुआ, उनमें सबसे ज्यादा 71% मतदान सहारनपुर में हुआ, वहीं गाजियाबाद में सबसे कम 57% मतदान हुआ। और बस 40 दिन और बाकी चुनाव नतीजों में, और चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ और मायावती से उनके विवादित बयानों पर जवाब मांगा है। समाज के लोगों को
मैं ये बताना चाहती हूँ, बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना। मायावती के इस बयान पर कैंची चल गई है। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। यूपी के देवबंद में मायावती ने मुसलमानों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की थी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अली और बजरंग बली वाले बयान पर भी चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर विपक्ष पहले से सवाल उठाता रहा है, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी ने हलफनामे में बताया है कि वो बीए पास नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से पर्चा भर दिया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जीत का बिगुल फूंक दिया। अब अध्यक्ष पार्टी का स्वयं दो सीटों से लड़े तो ये संकेत है अध्यक्ष की घबराहट का, और ऐसा नेता प्रधानमंत्री बनना उनके लिए संभव ना अब है ना कभी आगे होगा। अमेठी में साल 2014 में राहुल गांधी सिर्फ 1,07,000 वोटों से जीते थे। स्मृति ने हलफनामा में अपनी संपत्ति और पढ़ाई लिखाई का जिक्र भी किया है। 2004 में स्मृति की संपत्ति 26,98,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 4,71,00,000 रुपए हो गई है। पर्चे में स्मृति ने ये भी भरा कि वो बीए पास नहीं है। नामांकन से पहले स्मृति ने रोड शो और हवन पूजन भी किया। अमेठी में 6 मई को मतदान होना है, वहीं 23 मई को नतीजे आएंगे। और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी के बयान अब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पीलीभीत के पूरनपुर में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। वरुण ने कहा है कि सिखों ने हमेशा धर्म और देश की रक्षा के लिए खून बहाया और उनके अंदर भी सिखों का खून है। हमारे देश में सिखों ने जो खून बहाया है देश की एकता के लिए पार्टीशन में 1962 में 1971 की लड़ाई में और देश की हर लड़ाई में, मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे अंदर सिखों का खून बहता है, मैं इससे ज्यादा क्या। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीलीभीत में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। नवजोत सिंह सिद्धू जब से कांग्रेस में गए हैं लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमले बोल रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ की रैली में उन्होंने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रैली में सिद्धू ने बीजेपी के चौकीदार कैंपेन के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला। समंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जिंदगी खोज रहा है, रूस रोबोट आर्मी बना रहा है, लोगों की नहीं रोबोट्स की आर्मी बना रहा है, और भारत चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर। इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू पुलवामा हमले पर पाकिस्तान परस्त टिप्पणी कर चुके हैं, जिस पर काफी बवाल मच गया था। और आइए अब जान लेते हैं कि आज कौन नेता कहां रैली कर रहा है, कौन सा दिग्गज आज किधर मैदान में है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री कर्नाटक जाएंगे, वहां के कोप्पल में उनकी रैली का कार्यक्रम है। और फिर शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी केरल के कोझिकोड में एक सभा करेंगे। इसके अलावा अमित शाह आज ओडिशा के क्योझार में है, वहां पर वो एक जनसभा करेंगे। इसके बाद राजनांदगांव जाएंगे, वहां पर भी उनकी एक रैली रखी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु में है, यहां पर राहुल गांधी की एक रैली है। कृष्णागिरी, सलेम, थेनी और मदुरई में राहुल गांधी की रैली है। तमिलनाडु के सलेम में राहुल गांधी जाएंगे, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा थेनी में भी राहुल गांधी की एक जनसभा रखी गई है। तमिलनाडु में आज कहां कहां राहुल गांधी हैं, मदुरई में भी राहुल गांधी की एक जनसभा रखी गई है।
तो आज दिग्गजों के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव आज पीलीभीत जाएंगे उत्तर प्रदेश, यहां पर उनकी एक जनसभा रखी गई है। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के कटिहार में है, आज यहां पर एक रैली है उनकी। इसके अलावा खगड़िया में भी तेजस्वी यादव एक जनसभा करने जा रहे हैं, साथ ही बांका लोकसभा क्षेत्र में भी आज तेजस्वी यादव चुनावी सभा करेंगे। चुनाव नतीजों में सिर्फ 40 दिन बाकी है। सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। बात अब राजस्थान की करते हैं, जहां बीजेपी के मंच पर एक महाभारत चढ़ गई। बीजेपी के मंच पर मच गई महाभारत। जी हां, ऐसा हुआ राजस्थान के ब्यावर में। यहां बीजेपी नेताओं के बीच आपस में ही जमकर चल गए लात घूंसे। ब्यावर के खरवा गांव में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की चुनावी सभा हो रही थी। सभा में मंच पर बैठे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा और पूर्व विधायक के पति भंवर सिंह पलाड़ा के बीच माइक पर बोलने को लेकर विवाद हो गया। इससे बौखलाए पलाड़ा के समर्थकों ने नवीन शर्मा की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। देखते ही देखते बीजेपी का चुनावी मंच जंग का मैदान बन गया। मारपीट का शिकार हुए नवीन ने पलाड़ा पर सुनियोजित तरीके से हमला करने का आरोप लगाते हुए पार्टी के आला नेताओं से कार्रवाई की मांग की। योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माहौल को खराब करने की योजना है। ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारे प्रत्याशी को जीत नहीं मिले, ये उनके ये माहौल खराब करने के लिए आगे होकर ये काम किया है। और अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान को डर लग रहा है और कह रहा है कि भारत इसी महीने उस पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान ने फिर से भारत से कई और सवाल पूछे हैं। पाक ने कहा है कि भारत ने पुलवामा में आतंकी हमले पर कोई कार्रवाई योग्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। पाकिस्तान ने कहा है कि पहले से पूछे गए सवालों का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने ये भी दावा किया है कि इसी महीने उन पर भारत फिर हमला कर सकता है। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। अगली खबर भोपाल से, जहां इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद कमलनाथ के करीबी बताए जा रहे अश्विन शर्मा ने कबूला है कि पैसा उन्हीं का था। भोपाल में आयकर विभाग के छापे से चर्चा में आए अश्विन शर्मा पहली बार कैमरे के सामने आए। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अश्विन शर्मा ने बरामद रकम को अपने बिजनेस का हिस्सा बताया। छोटे भाई का ट्रेडिंग का व्यवसाय है, जो जिसमें उसका खुदरा व्यापार है, जिसकी वजह से उसको रोज कैश की जरूरत रहती है, इसलिए उसके पास होगा। और अगर कुछ अमाउंट ज्यादा होगा तो हम उसका विधिवत टैक्स भरेंगे और जानकारी प्रस्तुत कर देंगे कि हमारे पास पैसा कहां से आया। अच्छा। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी ट्रॉफीज के सोविनियर्स के पेपर प्रस्तुत करना है, वो समस्त पेपर मेरे पास उपलब्ध है और मैं समय के साथ प्रस्तुत करूंगा। आपको बता दें, 5 दिन पहले आयकर विभाग ने कमलनाथ के करीबियों पर छापा मारा था। इस छापे में अश्विन शर्मा पर देशी विदेशी हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में कैप्टन कूल धोनी को गुस्सा आ गया। 6 गेंद पर चेन्नई को 18 रन चाहिए थे। स्टोक्स की पहली गेंद पर जाडेजा ने छक्का जड़ा, अगली गेंद नो बॉल हो गई, 2 रन बने। दूसरी गेंद पर धोनी ने 2 रन बनाए, तीसरी गेंद पर धोनी आउट हो गए। 3 गेंद पर चेन्नई को 8 रन की जरूरत थी, अंपायर ने नो बॉल देकर फैसला बदला। धोनी को गुस्सा आया और वो मैदान पर लड़ने पहुंच गए। 2 गेंद पर चेन्नई को 6 रन की दरकार, सेंटनर ने 5वीं गेंद पर 2 रन बनाए, अगली गेंद वाइड हो गई। आखिरी गेंद पर चेन्नई को 3 रन चाहिए थे, सेंटनर ने छक्का मारकर 4 विकेट से जीत दिलाई। 7 मैच में धोनी की ये छठी जीत है।